क्या तो क्या क्या हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आपने जैसे मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे, तो जिसमें मैंने आपको HCF और MGF के बारे में बताया है, उसी तरह मैं आपको आज हार्नेस कैसे चेक की जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे अपने पास ये इन्योन की किट है, तो इसके अंदर अपने हार्नेस चेक करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर किट के अंदर होती है हार्नेस ए, ये एक नमक की तरह होता है हार्नेस ए। और उसके बाद होती है हार्नेस बी, और उसके बाद होता है अपने हार्नेस एस। इसके अंदर एक बूंद के अंदर 2 PPM होते हैं। और फिर आता है हार्नेस आर, तो इसके अंदर एक बूंद के अंदर 5 PPM होते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं। यदि मेरा वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले अपने जार लेंगे, उस जार के अंदर 25 ml पानी डालेंगे। भाइयों, जब भी अपने हार्डनेस चेक करें, इस जार को एक बार साफ पानी से साफ कर लें। तो इसको अपने जब साफ भी करेंगे, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा ढक्कन लगा के ही इस जार को साफ करें। कहीं उंगली लगा के साफ करेंगे तो अपनी जो उंगली की गंदगी है उस पानी में मिक्स हो जाएगी और जार के अंदर चली जाएगी, तो अपना जो भी हार्डनेस निकालेंगे वो हमेशा गलत हो सकती है। तो आप अपना जार साफ हो चुका है, तो इसके अंदर 25 ml पानी लेते हैं। देखो, हमने 25 ml पानी ले लिया है। अब इसके अंदर हार्डनेस ए डालते हैं। इसके अंदर किट के अंदर एक चम्मच आएगी जो बिल्कुल छोटी सी होगी, इसके अंदर एक चम्मच हार्डनेस ए डालते हैं। इसमें पानी का कलर कुछ चेंज होगा, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे। ये देखो, तो अब इसके अंदर इसको मिक्स करने के बाद सेकेंड राउंड में चलेंगे, तो अपने इसके अंदर हार्डनेस बी डालें। हार्डनेस बी की ओनली 10 ड्रॉप डालनी है इसके अंदर। देखो, दस ड्रॉप डालिए। अब 10 ड्रॉप डालने के बाद पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखो, पानी का कलर चेंज हो गया। तो इसके बाद अब हार्डनेस का पता कैसे चलेगा, कितने ppm अपनी हार्डनेस है। तो सबसे पहले अपने हार्डनेस आर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बूंद के अंदर 5 PPM होता है। तो जब भी अपने इसके अंदर बूंद डालेंगे, तो पानी का कलर जैसे ही चेंज होगा, तो अपने को काउंटिंग करनी है कि अपने कितनी बूंद डाल दी है। तो उससे अपने को हार्डनेस पता चल जाएगी कि कितनी हार्डनेस है। चलो अपने चेक करते हैं। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः बूंद डाली है। 6 बूंद डालने के बाद थोड़ा हिला के देख लेंगे कि पानी का कलर चेंज हुआ है, नहीं हुआ तो मतलब अपने को पानी ड्रॉप और डालनी पड़ेगी। तो 2 ड्रॉप और डाल के देखते हैं। 1, 2 मतलब अपने कुल मिला के 6 ड्रॉप डाल दिए हैं, फिर भी 7 ड्रॉप डाल दिए हैं, फिर भी पानी का कलर चेंज नहीं हुआ, तो अपने में 3 ड्रॉप और डालते हैं।
अब अपने को ड्रॉप डाल के देखना पड़ेगा, अभी भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा डार्क हो चुका है। जब भी अपना ये कलर फुल फ्लैश बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो अपने में 5 बूंद और डाल के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो पानी का कलर बिल्कुल ब्लू हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है सर, देखो। तो अब पता चला है अपनों ने इसके अंदर 15 ड्रॉप डाल दिया है हार्डनेस आर की, तो मतलब इसके अंदर हार्डनेस कितनी हो गई, 75। इसके अंदर हार्डनेस 75 हो चुकी है, 75। ठीक सर, इसी तरह अपनों ने हार्डनेस चेक करनी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। और एक बात और है सर, तो इसके अंदर अपनों ने जो भी अगला वीडियो लेके आएंगे तो इसके में अगला वीडियो होगा अपने TDS और PH पानी का कैसे चेक करें, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करें, धन्यवाद।